कि जनता की 9.5 साल तक मैंने सेवा की है, बहुत नए नए काम किए हैं जो हमारे विपक्षी लोगों को तो समझ में नहीं आए कि क्या कर रहे हैं। हर बात की आलोचना उन्होंने की है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसका तो अनुभव ही नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे। 3 महीने बाद ही सरकार गिराने की मंसूबे पाल करके रोज एक एक दिन गिनते थे। हमने कहा हमारा अनुभव वो तो नहीं है जो उनका था, ये लूट खसोट का, सत्ता को भोगने का अनुभव जो उनका था वो हमारा नहीं है, लेकिन जनता की सेवा करने का अनुभव मेरा उस समय भी 40 साल का अनुभव था मेरा उस समय। भाइयों बहनों, जनता की सेवा की है, नए नए कार्यक्रम प्रयोग किए हैं। विपक्षी लोगों ने उनकी आलोचना की और मैंने एक अपील भी की उन विपक्षी लोगों से कि जो आप आलोचना आज कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल की कर रहे हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र की कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की कर रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की कर रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत की कर रहे हैं, कितनी स्कीमें, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैंने कहा देखिए मैं अपील करता हूं इस बात को आप जारी रखना, चुनाव तक जारी रखना कि हम खत्म कर देंगे। और इनका लाभ जिस जनता को हुआ है, जब जनता को लगेगा कि जिस पोर्टल का, जिस ऑनलाइन सिस्टम का हमको लाभ मिला उसको कांग्रेस आके खत्म कर देगी, तो निश्चित रूप से जनता उस कांग्रेस को खत्म कर देगी जिस लाभ के लिए वंचित करेगी। और उसके बाद थोड़ा सा संभल गए हैं, अब वो खत्म करने की बातें कम करने लगे हैं धीरे धीरे। अब मतलब हिम्मत ही नहीं करते, और अभी भी उनको यह नहीं पता लगा, कभी देखते ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पोर्टल को एक बार खोल के देख तो लो कि क्या है उसमें, बहुत चीजें तो हमने प्रचार भी नहीं की। अब हमने एक दयालु स्कीम चलाई, उस दयालु स्कीम में भाइयों बहनों, जिस गरीब परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे छोटी आयु में हो, कमाने वाली आयु में हो, 60 साल तक उनके परिवार को हम सहायता देते हैं, ताकि कोई रोजगार करने वाला घर से व्यक्ति चला गया उसको 5 लाख रुपए की सहायता तुरंत देते हैं। और इसके ऊपर कम से कम 400 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। मुझे खुशी कि आते ही पहला बटन हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने 2200 परिवारों को, उनके परिवारजन चले गए थे, 2200 परिवारों को बटन दबा करके 108 करोड़ रुपए का जो पुण्य का काम, सबसे पहला काम यही किया मुख्यमंत्री जी। मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इन चीजों को रुकने मत देना, इन चीजों को आगे बढ़ाने में पूरी ब्यूरोक्रेसी सहयोग करेगी। जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता था कि ये तो मेरी पकड़ में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस ब्यूरोक्रेसी ने दिन रात काम करके चीजों को बहुत आगे बढ़ाया, व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं। हाँ, इक्का दुक्का जो नटखट था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, उसको डिसमिस भी किया है, उसके खिलाफ रूल 7 की चार्जशीट भी की है, लेकिन सब अफसर या सब ब्यूरोक्रेसी खराब नहीं होती, अच्छे लोग भी हैं, वो सहायता करेंगे। और इसमें कहीं भी मनोहर लाल आगे कुछ भी रहे, हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए कोई काम जो अभी तक चला आया है या आगे नए काम करने, उसमें दिन रात 24 घंटे मैं अपने छोटे भाई हमारे मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए खड़ा हूं। और ये पूरी हरियाणा की जनता, ये मेरी आराध्य है, इस मिट्टी में जन्म लिया है मैंने। 2,82,06,995, आप कहेंगे ये संख्या क्या है, ये आज की आबादी है। हर दिन आबादी का हमको पता लग जाता है उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिसकी वो आलोचना करते हैं, हर दिन उसमें आंकड़ा बदल जाता है, नए लोग उसमें एंट्री होते हैं, जो उसमें से भगवान को प्यारे हो गए उसमें बाहर हो जाते हैं, नए जन्म लेने वाले बच्चे का भी हर दिन एंट्री हो जाती है। कोई जमाना था जब 10 साल के बाद सेंसस होता था, अंदाजे लगा के पॉपुलेशन गिनी जाती थी, और अब तो वो 2011 के बाद अभी तक 2024 आ गया गिनी ही नहीं गई, कोविड आ गया, फिर कुछ और आ गया। हमने हरियाणा को इस लेवल पर खड़ा किया, आज हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं वो इस बात की नकल करने लग गए कि हरियाणा के प्रोग्रामों को हम लागू कैसे करें। आज मुझे उन उपलब्धियों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आज एक और जो अगली बात कहने वाला हूं कि जब मैंने मुख्यमंत्री के नाते अपने आंखों के सामने एक नए उत्तराधिकारी के रूप में देख लिया कि नए मुख्यमंत्री में आ गए, खुशी का एक कारण,
और उसके बाद विधानसभा में ही मैंने करनाल विधानसभा से त्याग पत्र भी दिया। वो इसलिए दिया कि करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे, तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाई कमांड को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं इनको वहां से विधायक बना करके पुनः करनाल सीएम सिटी कहलाए। ये करनाल सीएम सिटी का जो सपना वहां के लोगों का है और मेरे ऊपर जो ऋण है उस ऋण को भी उतारने की मैंने कोशिश की है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी जब से सामाजिक काम करने लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं, एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्याग पत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की। हम सबके बहुत ही प्रिय नेता जिन्होंने 9.25 साल तक हरियाणा प्रदेश, प्रधानमंत्री जी से एक बात कही, मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा। और मैं आभारी हूं अपने सांसद संजय भाटिया जी का, इतनी बड़ी जीत, देश भर में दूसरी हमारी यह जीत थी, पहली जीत जो सबसे बड़े मार्जिन की गुजरात में एक सीट से थी और देश भर में दूसरी बड़ी जीत हमें अगर आप लोगों ने दिलाई थी तो संजय भाटिया जी को शायद 6 लाख से ऊपर के मार्जिन से, कितना था, 6.5 लाख के मार्जिन से और आपने सांसद बनाया था। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, एक दायित्व दिया है कि अब मुझे करनाल लोकसभा के लोगों की सेवा करनी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के नाते एक रोल होता है, वो मैंने किया है, अच्छा किया, माड़ा किया, बुरा किया, वो आप जानते हैं। कभी इस काम को करते हुए कभी कभी परिवार के अंदर बैठते थोड़ी ऊंच नीच भी हो जाती है, कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जिसके कारण से किसी को तकलीफ हो गई हो, तो मैं आज इस मंच से निवेदन करता हूं उस तकलीफ भरे शब्द को निकाल के फेंक देना, जो अच्छी बात है उसको आप अपने पास रख लेना, इसी में से आपका मेरा सबका भला है। और अब आगे से लोकसभा करनाल के नाते, क्योंकि निश्चित रूप से मेंबर पार्लियामेंट आप मुझे बनाएंगे मेरा विश्वास है, मार्जिन कितना होगा कितना नहीं होगा ये संजय जी का प्रयास रहेगा। संजय जी ने एक बात कही, संजय भाटिया जी ने, कि आपने आकर के केवल फार्म भरना है, साइन तो मुझे करना ही पड़ेंगे, इसके बाद आने की आवश्यकता नहीं है, केवल रिजल्ट के दिन आ जाना है। तो मित्रों भाइयों बहनों, मैं आपकी सेवा आगे आने वाले समय में लोकसभा के माध्यम से जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी उतनी आपकी मैं सेवा करूंगा।